Hello everyone, welcome back to GK Today. Myself Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. So, आज हमें कवर करना है 8th of August के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस विद स्टैटिक जीके रिवीजन एंड वी विल एंड दिस सेशन विद द क्विज. फाइन, सो सबसे पहले हम जो लास्ट 7th of August की क्विज रही थी उसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. काफी कम लोगों ने ही आंसर दिए हैं, बट जिन्होंने भी दिए सही दिए. सो कल के जो क्विज के क्वेश्चंस थे, जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो हो ही रहे, इनके जो आंसर रहे थे, सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑस्ट्रेलिया था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर पेरियार टाइगर रिजर्व रहा था, थर्ड का इंडिया था आंसर, फोर्थ का मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड देन हुमायूं टॉम जो कि न्यू दिल्ली में है, देन ब्राजील आंसर रहा था, देन टू स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइज IT बेस्ड लेबोरेटरी फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस. फाइन, एंड द लास्ट श्रीलंका आंसर रहा था. सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज अस्त्र मार्क MK1 मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो द आंसर इज एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल. सो अस्त्र मार्क 1 MK मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है? एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज टाइप के मिसाइल है. सो रिसेंटली ये न्यूज में रहे क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने रिसेंटली अप्रूव करा है 200 अस्त्र MK1 मिसाइल को, और इनको लॉन्च किया जाएगा किन एयरक्राफ्ट की हेल्प से? तेजस एयरक्राफ्ट एंड Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के थ्रू. और अप्रूवल किसने दिया है? डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने अप्रूवल दिया है. फाइन, और अस्त्र MK1 को डेवलप करा है DRDO ने डेवलप करा है, मेड बाय BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड ने इसको बनाया है एंड डेवलप बाय DRDO. इसकी जो रेंज है वो 80 to 110 किलोमीटर है, और DRDO अस्त्र MK2 की डेवलपिंग भी कर रहा है जिसकी रेंज 130 to 160 किलोमीटर रहने वाली है. फाइन, सो यहाँ पे जो की टॉपिक रहने वाला है वो है इंडियन एयरफोर्स. इंडियन एयरफोर्स जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 8th of October 1932 था, और जो इसका मोटो है IAF का मोटो क्या रहा था? नभ स्पर्शम दीप्तम मीनिंग टच द स्काई विद द ग्लोरी. फाइन, IAF की जो टॉप मोस्ट रैंक है उन्हीं में से एक रैंक कौन सी है? मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो कि एक 5-स्टार रैंक है, और ये केवल किन्हें मिल रखी है? अर्जन सिंह को. अर्जन सिंह इज द ओनली वन जिनको रैंक मिल रखी है MIAF की, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स 5-स्टार रैंक. इसके नीचे 4-स्टार की जो रैंकिंग है वो है एयर चीफ मार्शल की जो कि एक 4-स्टार रैंक है, और भारत के जो 4-स्टार रैंक रहे एयर चीफ मार्शल वो भी कौन है? अर्जन सिंह ही है. ये जो पोस्ट है एयर चीफ मार्शल ये दी जाती है चीफ ऑफ एयर स्टाफ को, और उस टाइम पर जब इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था तब अर्जन सिंह ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, और इस प्रकार वो बने थे भारत के पहले एयर चीफ मार्शल 4-स्टार रैंक के. और आल्सो 5-स्टार रैंक जो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वो भी कौन है? अर्जन सिंह. सो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है अर्जन सिंह, और प्रेजेंटली जो CAS है भारत के वो कौन है? विवेक राम चौधरी. फाइन, सो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स. सो इंडियन एयरफोर्स के जो फर्स्ट चीफ है जिनको कहा जाता है चीफ एयर मार्शल वो कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट वन इज यामिनी कृष्णमूर्ति who recently passed away was associated with which field. So recently यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया, और किस फील्ड से वो एसोसिएटेड थी? सो द आंसर इज क्लासिकल डांस. क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड थी ये, और बेसिकली ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, और रिसेंटली 83 की एज में इनका निधन हो गया है. और बेसिकली किन क्लासिकल डांस से ये रिलेटेड थी? भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, उड़ीसी से एंड इंडियन डांस वर्ल्ड वाइड ये प्रमोट करती थी. फाइन, भरतनाट्यम बेसिकली कहाँ का है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, उड़ीसी उड़ीसा का है, एंड कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है. फाइन, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती है, और इसके अलावा जो इनको अवार्ड मिल चुके हैं उन्हीं में से है, इनको जो ऑनर मिल चुके हैं उन्हीं में से है पद्मश्री इन 1968. 28 की एज में इन्हें साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था 1977 में. उसके अलावा पद्म भूषण इन्हें मिला है अभी रिसेंटली 2001 में, और पद्म विभूषण मिला है इन्हें 2016 में. फाइन, सो जो अवार्ड मिल रखे हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी एंड पद्म भूषण. फाइन,
सो द नेक्स्ट वन इज पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सो रिसेंटली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रही, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है. सो द आंसर इज असम. सो असम में लोकेटेड है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फाइन. सो न्यूज में क्यों रही? न्यूज में इसलिए रही क्योंकि रिसेंटली असम के दारंग डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली एक महावत की वाइल्ड एलिफेंट के कारण डेथ हो गई. कहाँ पर? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. दैट्स वाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में रही थी. फाइन. एग्जैक्टली कहाँ पर है पोबितोरा? असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है और हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी किसकी? इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉर. सो बेसिकली ये जो जगह फेमस है इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है. फाइन. इस सेंचुरी को एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में और जो मेजर रिवर है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है और गरंगा व्हील यहाँ पर पाए जाते हैं. फाइन. इसी के अलावा जो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में नहीं है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो रिसेंटली रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज में रही थी. किस स्टेट में ये लोकेटेड है? सो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ से थोड़ा वर्ड कट रहा है बट मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ मध्य प्रदेश इज द आंसर. रिसेंटली विच स्टेट हैज ओपन इट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी फॉर एनहेंसिंग वाइल्ड लाइफ एजुकेशन एंड कंजर्वेशन? सो द आंसर इज उत्तराखंड. फाइन. एंड मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है तेलंगाना में लोकेटेड है. पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? किस स्टेट में है? सिक्किम में है. कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र में है. गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको देखने को मिलेगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है फर्स्ट एआई बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट और फेंस नाम क्या है? एल फेंस टू रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. और किस स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? सो दी आंसर इज केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा है ये स्टेप. फाइन. इसी के अलावा बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहा था. कहाँ पर लोकेटेड है? किस स्टेट में लोकेटेड है? सो गुजरात में ये लोकेटेड है. फाइन. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर एट एमएसपी? सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है. पहला स्टेट कौन सा बन चुका है जिसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सारी क्रॉप्स खरीद ली है फार्मर्स से? सो द आंसर इज हरियाणा. हरियाणा बन चुका है फर्स्ट स्टेट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद रहा है सारी क्रॉप्स. किन से? किसानों से. सो द आंसर इज हरियाणा. सो रिसेंटली जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने अनाउंस करा है स्टेट का प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफ ऑल क्रॉप्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इस प्रकार वो बन चुका है फर्स्ट इन इंडिया. फाइन. कौन है चीफ मिनिस्टर? नायब सिंह सैनी. नायब सिंह सैनी है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंटली जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिसेंटली ₹133 करोड़ का इरिगेशन चार्जेस लगाए एंड प्रॉमिस कराए ₹137 करोड़ का पेंडिंग क्रॉप डैमेज कंपनसेशन. फाइन. एमएसपी यहाँ पे स्टैंड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और किसने रिकमेंड किया था इस टर्म को? सीएसीपी ने रिकमेंड किया था. सीएसीपी स्टैंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस. सीएसीपी स्टैंड फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस जिसको पहले एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन के नाम से जाना जाता था और बेसिकली ये प्राइस डिसाइड करती है 50% प्रॉफिट के साथ एमएसपी वैल्यू को डिसाइड करता है सीएसीपी. फाइन. इसी के अलावा यहाँ पे जो की पॉइंट रहने वाला है वो है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट. सो हरियाणा के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है वो तो है नायब सिंह सैनी. जो गवर्नर है वो कौन है? भंडारू दत्तात्रेय. भंडारू दत्तात्रेय ये गवर्नर है कहाँ के? हरियाणा के. इसी के साथ कैपिटल क्या है हरियाणा की? चंडीगढ़ है. और जो लार्जेस्ट सिटी है हरियाणा की वो कौन सी है? फरीदाबाद लार्जेस्ट सिटी है. राज्यसभा में जो टोटल सीट है हरियाणा की वो कितनी है? 5 सीट है. जबकि लोकसभा में कितनी सीट है हरियाणा की? 10 सीट्स है. लोकसभा में टोटल 10 सीट ही है हरियाणा की. फाइन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट वन इज अल दोइनो लेंगई वोल्केनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो वोल्केनो न्यूज में रहा, किस कंट्री में ये लोकेटेड है? सो द आंसर इज तंजानिया. तंजानिया में लोकेटेड है अल दोइनो लेंगई वोल्केनो.
रिसेंटली ये वोल्केनो न्यूज में रहा, बिकॉज यहाँ से न्यूज आ रही है कि जो अल डोइनो लिंगाई वोल्केनो है जो कि तंजानिया में लोकेटेड है, इसमें काफी टाइम से इरप्शन हो रहा है और इस इरप्शन के कारण अभी ये डूब रहा है, सिंक कर रहा है। जो मैग्मा रिजर्वर इरप्शन से प्रोड्यूस होता है उसके कारण ये जो वोल्केनो है ये सिंक हो रहा है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। फाइन, किसके कारण? मैग्मा रिजर्वर। बेसिकली मैग्मा रिजर्वर्स क्या होते हैं? अपर क्रस्ट से निकलने वाला लावा मटेरियल होता है जो कि काफी डेप्थ तक जाता है और जो सरफेस है, अपर सरफेस है वोल्केनो की, उसको प्लेन कर देता है, सिंक कर देता है। ये ही घटना हो रही है अल डोइनो लिंगाई वोल्केनो के साथ। फाइन, और इसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द माउंटेन ऑफ गॉड। सो माउंटेन ऑफ गॉड किस वोल्केनो को कहा जाता है? अल डोइनो लिंगाई वोल्केनो को कहा जाता है। फाइन, दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। इसी के साथ हम रिविजन कर लेते हैं उन सभी वोल्केनोज का जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहे थे। सो रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कैप्चर एन एपिक व्यू ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द अवर सोलर सिस्टम नेम ओलंपस मोन्स यूजिंग द मार्स ओडिसी ऑर्बिटर। सो मार्स ओडिसी ऑर्बिटर को यूज करके जो ओलंपस मोन्स है जो कि लार्जेस्ट सोलर सिस्टम है एंटायर सोलर सिस्टम का, सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी एपिक व्यू कैप्चर किए थे? सो द आंसर इज नासा। नेक्स्ट वन इज सुंधनु कागिगर वोल्केनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो ये वोल्केनो आइसलैंड में लोकेटेड है। फाइन, हुंगा हपाई वोल्केनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन? सो ये मिलेगा आपको साउथर्न पैसिफिक ओशन में मिलेगा, रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट है। नेक्स्ट वन इज कैंपी फ्लेगरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री? सो इटली में लोकेटेड है। इबू वोल्केनो रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। लाप कम्बरे वोल्केनो, ये कहाँ पर है, कौन से आइलैंड में है? गैलापागोस में है। ये कहाँ पर है? गैलापागोस में लोकेटेड है लाप कुम्ब्रे वोल्केनो। नेक्स्ट वन इज रुआंग वोल्केनो, ये कहाँ पर है, किस कंट्री में है? सो द आंसर इज इंडोनेशिया में ही है। नॉक्टिस वोल्केनो, ये कहाँ पर मिलेगा, किस प्लैनेट का पार्ट है ये? सो मार्स का पार्ट है। नॉक्टिस वोल्केनो थार्सिस रीजन में लोकेटेड है ये। फाइन, इसी के अलावा माउंट उलावन वोल्केनो, ये किस कंट्री में है? सो ये है पापुआ न्यू गिनी में है। एंड माउंट सेंट हेलेंस, ये जो कि स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? सो ये है यूएसए में। फाइन, इसी के साथ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ओनली वन एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और बैरन आइलैंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। सो बैरन आइलैंड ये इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार में, और एक टाइप का स्ट्रेटो वोल्केनो है ये। फाइन, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज थाडो ट्राइब्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज आर प्राइमरली रिजाइड्स इन विच स्टेट? सो द आंसर इज मणिपुर। सो मणिपुर राज्य में पाई जाती है ये ट्राइब्स जिसका नाम है थाडो ट्राइब्स। फाइन, सो रिसेंटली न्यूज में रही क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट एसोसिएशन है, थाडो स्टूडेंट एसोसिएशन, उन्होंने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया है थाडो कम्युनिटी के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। दैट्स वाई ये ट्राइब अभी न्यूज में रही थी। बेसिकली कहाँ की है? मणिपुर की ट्राइब है ये। फाइन, और इसी के साथ यहाँ पर जो मेन प्रैक्टिस होती है वो है झूम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है। झूम एग्रीकल्चर जिसको जो अदर नेम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। फाइन, सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। ट्राइब है थाडो ट्राइब, कहाँ की है? मणिपुर की है। फाइन, इसी के अलावा जो बेसिक ट्राइब अभी न्यूज में रही है इंडिया की, उनका हम रिविजन कर लेते हैं। कादर ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज मेनली बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ इंडिया? सो कादर ट्राइब अभी ये न्यूज में रही थी, कहाँ की है ये? सो ये है साउथ इंडिया की। फाइन, इसी के अलावा रिसेंटली विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द 10% रिजर्वेशन फॉर पहाड़ीज एंड थ्री अदर ट्राइब्स? सो जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स के लिए 10% का रिजर्वेशन स्टार्ट किया था अभी स्टेट गवर्नमेंट ने। एंड नेक्स्ट वन इज हट्टी कम्युनिटी, ये कहाँ की है जो अभी लीगल डिस्प्यूट के कारण चर्चा में रही थी? सो द आंसर इज हिमाचल प्रदेश की है हट्टी कम्युनिटी। फाइन, इसके साथ शिनोन मीराज अ सेंटर शोकेसिंग द हिस्ट्री ऑफ दर्द शीना ट्राइब्स वाज ओपन इन विच स्टेट और यूटी? सो दर्द शीना ट्राइब बेसिकली ये जम्मू कश्मीर की है, और इनकी हिस्ट्री को दिखाने के लिए अभी रिसेंटली शिनोन मीरा सेंटर ओपन किया गया था। किस कहाँ पर? यूटी में किया गया था, यूनियन टेरिटरी में। कौन सी यूनियन टेरिटरी? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्टर रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल एम्पेरिकल स्टडी टू इवेल्यूएट द डिलीवरी ऑफ जस्टिस थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये जो रिपोर्ट है किसने पब्लिश करी है रिसेंटली, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिलीज करी एक रिपोर्ट जिसका नाम है एम्पेरिकल स्टडी टू इवेल्यूएट द डिलीवरी ऑफ जस्टिस थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है उसके स्टडी के लिए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया. सो यूनियन मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट पब्लिश करी है जो बेसिकली एम करती है इंडिया का जो ज्यूडिशियल सिस्टम है उसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रोस कॉन्स है उसको रिलेट करती है ये रिपोर्ट. फाइन. सो बेसिकली इसमें जो बताया गया है डेटा उसमें 37.7% ऑफ जो जज है वो कोर्ट रूम स्पेस की लैक को फेस करते हैं. इसके अलावा नॉट इनफ ट्रेन स्टाफ, ये इसकी कमी बताई गई, एंड पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. फाइन. सो रिसेंटली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने. फाइन. इसी के अलावा रिसेंट जो रिपोर्ट्स अभी न्यूज में रही थी हम उनका रिवीजन कर लेते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंसी एंड फाइनेंस 23-24 ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी? आरबीआई ने करी. नेक्स्ट वन इज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024 इस रिपोर्ट को किसने रिलीज करा? सो द आंसर इज ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने करा. नेक्स्ट वन इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन. सो इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया? सो द आंसर इज वर्ल्ड बैंक ने. रिसेंटली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स रिपोर्ट 2024. उसके अकॉर्डिंग सेकेंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टैरिफ मेजरमेंट कौन रहा था, कौन सी कंट्री? इंडिया रही थी. फाइन. इसी के अलावा एक अनदर रिपोर्ट है इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने. स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट इसको किसने पब्लिश किया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया था. टूवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया था? सो इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने पब्लिश की थी इस रिपोर्ट को. फाइन. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन चूजन एज द लोकेशन फॉर इंडियाज फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग रिसर्च स्टेशन. सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है, इंडिया का पहला मार्स एंड मून एनालॉग रिसर्च स्टेशन ये कहाँ पर स्टार्ट होगा? सो द आंसर इज लद्दाख. सो रिसेंटली लद्दाख को सिलेक्ट किया गया है एज द लोकेशन फॉर इंडिया फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग रिसर्च स्टेशन. फाइन. सो लद्दाख का जो एटमोसफेयर है, इन्वायरमेंट है, वो एग्जैक्टली मार्स और मून से रिलेट करता है. सो दैट्स वाई मार्स और मून पर किस तरह से फ्यूचर में काम करना है, टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करना है, उसी के लिए लद्दाख के एन्वायरमेंट को स्टडी किया जाएगा और यहाँ पे इंडिया का पहला मार्स एंड मून एनालॉग रिसर्च स्टेशन को स्टार्ट किया जाएगा. फाइन. ताकि जो स्पेस टेक्नोलॉजीज है उनको टेस्ट करने में हेल्प मिल सके एंड स्टडी की जा सके ह्यूमन बिहेवियर की इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. फाइन. सो लद्दाख का जो ड्राई कोल्ड एंड रॉकी लैंडस्केप है वो हेल्प करेगा साइंटिस्ट को मार्स एंड मून के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की टेक्निक से जानने के लिए. फाइन. दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था. इसी के अलावा अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख बना था यूनियन टेरिटरी कब? 31 अक्टूबर 2019 को बना था. जो कैपिटल है लद्दाख की वो लेह और कारगिल है. फाइन. सो लद्दाख की दो कैपिटल है लेह और कारगिल. अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लद्दाख की और जो अदर कैपिटल है वो उसे किस का दर्जा मिला हुआ है. फाइन. इसी के अलावा लद्दाख में जो रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है? बीडी मिश्रा. बीडी मिश्रा है. सो सेंटर की गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है, पावर में है, और इस टेरिटरी में केवल टू डिस्ट्रिक्ट है. द टेरिटरी हैज टू डिस्ट्रिक्ट. और पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है लद्दाख को? सो मोहम्मद हनीफा इंडिपेंडेंट तौर पे लद्दाख को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में. फाइन. सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं लद्दाख के. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट वन इज हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेन सिंगल टाइटल टेनिस एट द 2024 पेरिस ओलंपिक. सो द आंसर इज नोवाक डोकोविक. सो रिसेंटली जो नोवाक डोकोविक है उन्होंने
अपना लास्ट ओलंपिक खेला और अपने लास्ट ओलंपिक में इन्होंने जीत लिया है मैन सिंगल टेनिस टाइटल विथ अ गोल्ड मेडल। फाइन, सो नोवाक डोकोविच के करियर का लास्ट मैच था ये ओलंपिक में, 46 की एज में इन्होंने ये टाइटल जीत लिया। किसको डिफीट किया था? कार्लोस अल्कराज को डिफीट किया था। फाइन, नोवाक डोकोविच ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सो सर्बिया से बिलोंग करते हैं ये, और इस प्रकार ये ऐसे फिफ्थ प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने गोल्डन स्लैम को अचीव करा है। किसके साथ? नडाल, राफेल नडाल के साथ एंड सेरेना विलियम्स के साथ। फाइन, सो नोवाक डोकोविच को तो आप सभी जानते ही होंगे, सो टेनिस प्लेयर है ये, सर्बिया से बिलोंग करते हैं और रिसेंटली इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइन, इससे पहले का जो ओलंपिक्स रहा था उसमें इन्होंने कोई सा भी मेडल नहीं जीता था, लेकिन 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फाइन, इसके अलावा पेरिस ओलंपिक का क्वेश्चन आया है, तो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जो डेटा है एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो रिसेंटली फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर की बात की जा रही है जो बन चुके हैं पेरिस ओलंपिक को क्वालिफायर करने वाले फर्स्ट मेल रेसलर। सो द आंसर इज अमन शेरावत। एंड इंडिया का फर्स्ट रोइंग कोटा पेरिस ओलंपिक के लिए किन्होंने रिसीव करा? सो द आंसर इज बलराज पावर। एंड सोल इंडियन वेट लिफ्टर जो क्वालिफाई हो चुकी है पेरिस ओलंपिक के लिए, उनका नाम है मीराबाई चानू। नेक्स्ट वन इज फ्लैग बेयरर कौन रहा था इंडियन कंटेस्टेंट से पेरिस ओलंपिक में? सो शरत कमल रहे थे। टॉर्च बेयरर कौन रहे थे? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने इंडिया को गोल्ड दिलाया था फर्स्ट गोल्ड शूटिंग में। एंड किसने रिसेंटली सिक्योर करा इंडिया का 16th कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक? सो द आंसर इज रिदम संगवान ने। एंड फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू इशू डिजिटल शेंजेन वीजा, तो ऐसा करने वाला फ्रांस रहा था। फाइन, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैव बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव करे हैं जो कि पार्ट है नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, और ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है? सो द आंसर इज 8। सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50,655 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है इन 8 प्रोजेक्ट्स के लिए। फाइन, इस प्रोजेक्ट के तहत जो रोड बनाई जाएगी उनकी लेंथ रहने वाली है 936 किलोमीटर की, ताकि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। और इस प्रकार सेंटर का ये जो प्रोजेक्ट है ये 4.42 करोड़ मैंडेज के लिए मैंडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जस्ट लाइक महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल एंड असम में। फाइन, सो इंडिया का ये जो एम्बिशियस प्रोग्राम है इसके लिए जो बजट है वो है 56.55 करोड़। फाइन, इसी के अलावा यहाँ से हम कवर कर लेते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज। सो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है वो कौन सी है, क्या आप बता सकते हैं? सो द आंसर इज द ढोला सादिया ब्रिज। ठीक है, द ढोला सादिया ब्रिज कहाँ पर है? ये असम में है और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है। फाइन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? सो द आंसर इज द सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम। फाइन, ये स्टेडियम का पुराना नाम है सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम। इस स्टेडियम का जो नया नाम है वो क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। फाइन, सिटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये कौन सा ब्रिज है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? सो द आंसर इज चेनाब ब्रिज। ये बन चुका है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। फाइन, सो इसी के साथ 10 क्वेश्चन का जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फाइन, सो इसी के साथ स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं ये आज के क्विज के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इनके जो आंसर से हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू जीके टुडे।